हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत और रेयर हैंगिंग सक्कुलेंट प्लांट्स के बारे में शेयर करूंगी। इसका नाम है लेमन कॉरल सीडम और स्टोन क्रॉप सीडम भी बोलते हैं, और कोई कोई लोग इसे लेमन सीडम ग्रास भी बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका कलर देखिए बिल्कुल लेमन की तरह है, इसीलिए इसे लेमन कॉरल सीडम बोलते हैं। इट इज़ नेटिव ऑफ यूरोप, सो एज ए ग्राउंड कवर और हैंगिंग प्लांट्स के रूप में इसे बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। देखिए दोस्तों, इसका खूबसूरती और इसका कलर देखिए। दोस्तों, ये एक रेयर सीडम है, मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिल रहे थे। तो इस बार फरवरी महीने में 2022 में मुझे एक गुवाहाटी का बड़ा सा नर्सरी में मिल गया। लेकिन दोस्तों, ये देखिए मेरी पूरा पॉट भर जैसे भरने वाला है। इसका हाफ जैसे होंगे छोटा सा एक पॉट में, वो लोग 500 मांग रहे थे। तो मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम था, तो मैं डर रही थी कि मैं लेने से पता नहीं इतना कॉस्टली बचा पाऊंगी या नहीं। तो मैं उनको बोला कि इसका हाफ करके दीजिए और पैसा भी हाफ लीजिए, लेकिन वो लोग नहीं माना, तो मैं निराशा के घर चली गई। फिर आफ्टर 15 डेज मंथ तो नहीं मान रहे थे, फिर मैं गई उस नर्सरी में, जाके देखा वो लोग छोटे छोटे पॉट में डिवाइड करके रखे थे। कोई भी किसी किसी का दाम 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 300, ऐसा अलग अलग प्राइस में रखा था। तो मैं 100 रुपीज़ का, मुझे जितना 2-3 शेड इसका स्टेम ही था, मैं लेके आई थी। तो दोस्तों, इसका पार्सेस के ऊपर मेरी एक वीडियो भी है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, देख सकते हैं। तो दोस्तों, उतना ही कम दिन में देखिए, अभी मैं वीडियो कर रही हूँ 2022 का जुलाई का एंडिंग में, जुलाई का लास्ट दिन। तो देखिए, और पूरा पॉट मेरी भर गया है, देखिए। तो दोस्तों, इसका जितना रिक्वायरमेंट है मैं आपको बताती हूँ। इसका पॉटिंग मिक्सर सॉइल में मैं लिया, बिल्कुल सकुलेंट प्लांट में जैसे लेते हैं हम, उसी तरह लिया हूँ मैं दोस्तों। जैसे कि 70% मैं कंस्ट्रक्शन मोटा रिवर्स सेंट लिया हूँ, 20% भार्मी कंपोस्ट, 10% जैसे मैं लीव मोल लिया हूँ, और थोड़ा सा मैं पार्लेट लिया। जैसे कि आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से लीजिएगा, एक मुट्ठी हो या उससे ज़्यादा हो पार्लेट ले लीजिएगा, बोन मिल, नीम खोले और फंगिसाइड पाउडर भी जरूर मिलाइएगा। ये सब मैं पॉटिंग मिक्सर सॉइल बना के इसको लगाया हूँ, और इतना कम दिनों में देखिए किस तरह से भर गया है। ऐसे तो सकुलेंट प्लांट्स को इतना फर्टिलाइजर का जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे कि ग्रोइंग पीरियड में हम फर्टिलाइज कर सकते हैं। मार्च टू नवंबर तक इसका ग्रोइंग पीरियड है, और इसीलिए मैं इसको फर्टिलाइज किया हूँ, लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। मेरे पास सीविट एक्स्ट्रा एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, लेकिन पाउडर फॉर्म में, लेकिन मैं उसको लिक्विड बना के इसको दिया था। और जो फार्मी कंपोस्ट है उसको भी 24 आवर्स में भिगा के उसको मैं लिक्विड फॉर्म में इसको दिया था। दोस्तों, लोकेशन का बात बताऊँ तो इसे फुल सनलाइट में हम रख सकते हैं। सकुलेंट्स को फुल सनलाइट चाहिए, लेकिन विंटर में, ऐसे गर्मी में हम दूसरा सकुलेंट के रखेंगे तो वो गल जाएगा। लेकिन इस ये सीडम को फुल सनलाइट देने से इसका ब्यूटी, इसका कलर और निखर के आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसको आप फुल सनलाइट दे सकते हैं। और दोस्तों, प्रोपगेशन इसका छोटा सा स्टेम कटिंग करके लगाने से आप प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जहाँ तक इसको मैं पहचाना जाना, ये एक बहुत ही इजी टू ग्रो, इजी टू लो मेंटेन प्लांट है। आप इसको कहीं भी मिल जाए, या नर्सरी या कहीं, या आपके रिलेटिव फ्रेंड्स किसी में भी, कहीं से भी मिल जाए, एक छोटा सा स्टेम लेके जरूर लगाइएगा। बहुत ही मज़ा लगते है इसको देखने में, इसका खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों, सीडम का काफ़ी सारे वैराइटीज मिल जाते हैं। मेरे पास भी दो टाइप का सीडम है, ये देखिए दोस्तों, मैं इनका लीफ का डिफरेंस दिखाती हूँ। इसका लीफ जैसे है कि मोटा मोटा, घना घना और कॉम्पैक्ट रूप में है, और ये दूसरा जो सीडम है दोस्तों, ये डार्क ग्रीन कलर का है। इसका लीव्स देखिए ऐसे पतला पतला, लंबा लंबा और अलग अलग, जैसे सेपरेट सेपरेट इसका लीव है। ये भी बहुत खूबसूरत है, और ये मेरे काफ़ी सालों से मेरे साथ है, जैसे कि 17-18 ईयर्स से मेरे पास ये है। तो दोस्तों, यही था, इतना ही था मेरी सीडम के ऊपर, ये लेमन ग्रास सीडम के ऊपर मेरी वीडियो। तो दोस्तों, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंजॉय योरसेल्फ एंड हैप्पी गार्डनिंग।